इंदौर स्वास्थ्य अधिकारी अमित मालाकर ने बताया कि दो महीनों की शिथिलता के बाद एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने अपने पैर पसार लिए हैं। इन दिनों कोरोना संक्रमण तेजी के साथ पैर पसारा है। इसका कारण कुछ हमारी कमजोरी है और कुछ हमारी लापरवाही। वहीं पिछले दिनों जागरूकता में भी कमी आई है, जिसके चलते इस शहर में सुपर स्प्रेडर स्ट्रेन लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इसका एक ही इलाज है, सामाजिक दूरी और मास्क। इंदौर के स्वास्थ्य अधिकारी अमित मालाकर ने बताया कि दो महीनों की शिथिलता के बाद एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने अपने पैर पसार लिए हैं। इसका कुछ कारण तो है हमारी कमजोरी और कुछ है हमारी लापरवाही। वहीं पिछले दिनों जागरूकता में भी कुछ कमी आई है, जिसके चलते शहर में सुपर स्प्रेडर स्ट्रेन लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इसका एक ही इलाज है, सामाजिक दूरी और मास्क। देखिए, कहीं ना कहीं बीच के जो अभी दो महीनों में जो हमारे संख्या में काफ़ी कमी आई थी कोरोना के मरीजों में, उस बीच में जो जागरूकता में थोड़ी सी कमी देखी गई और लापरवाही भी एक बहुत बड़ा एक वो रीज़न रहा, जिसके कारण केसेस को धीरे धीरे बढ़ने में इंक्रीज हुए। साथ ही कोरोना ने भी अपना स्वरूप बदला। कोरोना के स्वरूप बदलने से अभी जो सुपर स्प्रेडर टाइप का जो वेरिएंट है, उसका जो स्ट्रेन है, जो सुपर स्प्रेडर स्ट्रेन है वो भी इंदौर में डायग्नोस हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। सर, लेकिन इंदौर, महाराष्ट्र, बस यही स्थितियाँ पैनिक हो रही है। कोलकाता में ऑलरेडी इतनी भीड़, चुनावी आना जाना चल रहा है, लगातार राजनेताओं का भी आना जाना चल रहा है, कई कार्यकर्ता भी आना जाना कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, कोरोना क्या वहाँ पर बढ़कर आएगा या यहाँ बढ़ सकता है? देखिए, बेसिकली मुझे मेरे इंदौर का कंसर्न करना है, मेरे ज़िले को कंसंट्रेट करना है। हम इंदौर को बचाने के लिए क्या क्या साधन अपना सकते हैं, वो सारी चीज़ों पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। साथ ही जहाँ तक के दूसरे प्रदेशों की भी यदि अपन बात करते हैं, तो सभी जगह उतना ही खतरा है जितना खतरा इंदौर में है। सर,